गुड मॉर्निंग हिमाचल। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल के ताजा घटनाक्रम पर। शुरुआत हेडलाइन से। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। न जाने कितने होनहारों का भविष्य निकल गया कर्मचारी चयन आयोग, लगातार खुल रही परतें। ना नेता काम आए ना ही प्रशासन, ग्रामीणों ने दिखा दिया दम है तो सब मुमकिन है। संस्कृति की ऐसी शानदार झलक कभी नहीं देखी, झूम उठे लोग। पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया नशा माफिया, छन्नी में 107 ग्राम चिट्टे सहित बड़ी मात्रा में नकदी बरामद। और अब खबरें विस्तार से। भर्ती पेपर लीक मामला उजागर होने के बाद भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव रहे एचएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर को जांच एजेंसी विजिलेंस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अधिकारी की यह गिरफ्तारी पोस्ट कोड 1003 तक तहत कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 1036 के तहत होने वाली जूनियर ऑडिटर की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते की गई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों भर्तियों में जितेंद्र कंवर की संलिप्तता उजागर हुई है। भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच में लगी विजिलेंस ने अब तक 13 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 2 दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई है। घुमारवी की ग्राम पंचायत डंगार के गांव दखियूत में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से पैसा इकट्ठा कर कंक्रीट की सड़क बना दी है। भारी बरसात के कारण गुगा जाहर पीर मंदिर को जाने वाली सड़क पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। सड़क को बनाने के लिए लोगों ने प्रशासन व राजनीतिक नेताओं से धन उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद लोगों ने अपने ही बल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों से सड़क बनाने के लिए दान मांगा। देखते ही देखते धन एकत्रित हो गया और लगभग 150 बोरी सीमेंट से अब सड़क बन रही है। गिरिपार व जिला शिमला की बूढ़ी दिवाली का मंगलवार रात समापन हो गया, जिसे समूचे क्षेत्र में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में जिला के भराड़ी व चारना में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें हिमाचल के नामी कलाकारों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोग नाचते हुए नजर आए। हाटी समुदाय के लोग इस उत्सव को बड़े हर्ष के साथ कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। पर्व की खास बात यह है कि इसमें क्षेत्र की पारंपरिक लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है। जिला पुलिस नूरपुर के रचित चक्रव्यूह को नशा माफिया द्वारा भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इसी कड़ी में बुधवार को भी पुलिस ने छन्नी में 107.40 ग्राम चिट्टा व 60,000 की नकदी पकड़ने में सफलता हासिल की है। हुआ यूं कि पुलिस ने बुधवार को छन्नी में बाबा पीर मंदिर के नजदीक दबिश दी तो प्रदीप कुमार उर्फ शंकर निवासी छन्नी से 107.40 ग्राम चिट्टा
व 60,000 की नकदी बरामद हुई। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।